वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग कट सेफ की कटिंग कर रहे हैं और साथ में कर रहा है मेरा भाई तोली है और उसमें बोएंगे हम जॉ। तो यहाँ पे तोली हो चुका है, इस पे भी और यहाँ पे भी। अभी यहाँ बाकी जगह हो गए और उससे पहले जॉ छिड़के जा रहे हैं, क्योंकि जब तोली हम इसके बाद इसको खोदेंगे तो इसमें जॉ निकल जाएगी, पैदा होकर बढ़िया। फिर क्या रहता है इसमें, नमी रहती थोड़ी बहुत। जॉ से ऐसा है ना, हरा भरा रहता है बगी वो सेब का पौधा चारों ओर से। तो इसके लिए और मंजू भैया, अक्षित और तन्नी काट रहे सेब। का काम है अलग अलग और मेरा काम है जो सेब कटिंग कर रहे हैं उसके छींटे उठाना। अभी देखो मैंने यहाँ पे उठा रखे है, अभी दूसरी जगह भी मैं उठाऊंगा। अभी ये कटिंग बाकी इस पौधे हो गए, अभी इसकी बारी यहाँ पे बढ़िया। ऐसे सेब के लिए तोलिया बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको खोदा जाएगा, उसके बाद इसके चारों तरफ से गोल किया जाएगा, ताकि उस वजह से सारी जो मिट्टी की ताकत है, खाद गोबर की ताकत होगी, वो सारी सेब के पौधे में निकलती है। कोई फालतू की घास में नहीं आती, इसीलिए इसे बार बार खोदा जाता है। साल में एक बार, एक बार होती तोली साल में? तो ये है सेब काटने की कैंची और अक्षित लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप कटिंग। ये एक्सपर्ट अक्षित। बस ये देखो, इसलिए काटा क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा बाहर को जा रही थी, तो इसका जो मेन टहना है इसमें ग्रोथ नहीं जा रही थी, ये सारी बाहर जा रही थी, इसलिए इसको बीच से काटा जाता है। छोटे छोटे तोड़ ही नहीं है यार। ये देखो, क्योंकि मेन टहना तो वो जा रहा है, तो ये फालतू के जो होते हैं इसे काटा जाता है, क्योंकि इसके जो मेन टहने पर इस पर सारी ग्रोथ जानी चाहिए। ये एक्सपर्ट अक्षित। अगर अक्षित को किसी ने अपने बगीचे में सेब काटने के लिए बुलाना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। अक्षित की इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ग्रोथ नहीं देना इसमें। और मेरे लिए कितना बड़ा काम है नीचे, अभी सारे छिटे जो सेब के जो टूटे हुए छिटे मेरे को उठाने। दिस इज पहाड़ी छिटे। अभी देखो, ऊपर से सारे कटिंग कर लिए तो नीचे सारे गिर चुके हैं, तो ये सब मेरे को उठा रहा है। वहाँ भी मैंने उठा रखे है और उधर भी थे काका के पीछे, तो सारे मेरे को उठाने। और इसको पसंद ही नहीं आई ये वाली, कैसी है पिंक कलर की। इसको पिंक चाहिए, लड़की वाला कलर। ओए इस कैमरे पे लगा। ये यहाँ से इसका इंटरलॉक है ऐसे, इस तरह से काट जाते से। लॉक हो गई। ये है भाई छीटे उठाने के लिए बढ़िया, सबसे बेस्ट। अब इससे आएगा फटाफट, नहीं तो मेरे थक गई बाजू, कमर थक गई मेरी, कमर थक गई। अब देखो इससे कैसे निकलता है, इससे घास भी साफ हो जाएगा सारा, फालतू का कबाड़ है। इससे तो कबाड़ कबूड़ भी सब आ गए साथ। अक्षिता
हे भगवान, छिटे उठा उठा के थक गए। यहाँ देखो कितने सारी कट्ठे कट्टी है, और वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो इसकी कंडीशन ये है। इसके बाद मैं सारे छिटे उठाऊँगा, तुरंत यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ कर दिया है सारा, यहाँ पे लाया है वहाँ से। चाय क्रीम रोल, हाँ अक्षित, चाय क्रीम रोल, कॉफी क्रीम रोल, सॉरी कॉफी क्रीम रोल। यहाँ बची हुई थोड़ी सी, बाकी सारी पिघल गई। ये लास्ट पौधा बचा कटिंग के लिए, बाकी सारे फिनिश बची हुई। बर्फ यहाँ गोबर था क्या? यहाँ नरम नरम है नीचे। बस ये पौधा भी क्लियर हो गया, और लास्ट पौधा बचा हुआ था खत्म। और मेरे पैर में, जूते में बर्फ चली गई, ठंडा लग, जूते में बर्फ गई। पिघल भी गई अब तो। ये रे ना, इसमें तो सबसे ज्यादा छींटे निकले इस पौधे के साइड के, पर यहाँ देखो कितने सारे गिरे हुए नीचे। ये तो काटा ही नहीं कई सालों से, नहीं